हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाई है दाल मखनी, क्रीमी, डिलीशियस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप भी बना सकते हैं और मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एक सुपर इजी रेसिपी। टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा, बट आप आराम से, अच्छे से, बहुत ही इजीली बना सकते हो। इनफैक्ट जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये काली दाल ले ली है और इसमें मैंने थोड़े से राजमा भी लिए हैं। राजमा से क्या होता है कि इस दाल का ना अच्छे से टेक्सचर आता है, क्रीमी। इसमें मैंने डाली है कोई 3-4 इलायची, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम इसको कोई 6-7 सीटी लगाएंगे। उसके बाद ये मैंने रखा अपना तड़का। अब मैं पहले ना कुछ काजू लेके ना इसमें फ्राई कर लूँगी, जो कि हम बाद में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अभी मैंने डाला लहसुन और अपना ज़ीरा। उसके बाद ये मैंने डाल दी अपनी टमेटोज की ग्रेवी। इसको हमें अच्छे से पकाना है। अब इसी में मसाले डाल दूँगी, नमक, अपनी लाल मिर्च, हल्दी, जो भी हम डालते हैं, गरम मसाला, ठीक है, आप जो भी मसाले डालते हो वो डाल सकते हो। क्योंकि हर हाउस होल्ड का ना अपना होता है कि वो लोग किस टेस्ट के कौन से मसाले खाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। अब ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है। आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये फूड कलर था तो मैंने डाले, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इस सब को अच्छे से पकाएंगे। एंड या, हींग तो पक्का डालनी है, बिकॉज जो ये काली दाल होती है ना, उड़द की दाल, ये हमारे स्टमक के लिए काफ़ी हैवी होती है। हींग उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अभी मैं थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के करीब डालूंगी टमेटो केचप। ये कंपल्सरी नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल लिया, सामने दिख रहा था। और मुझे टमेटोज भी कुछ खास नहीं लग रहे थे क्वालिटी में, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल लिया। ओह, ये देखो क्या धुआं आ गया। अब ये अच्छे से पक गई है हमारी, अच्छी लग रही है। ऑयल, टमेटोज ने भी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स हमारा तड़का अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए, गैस करिए कि ये क्या है। ओह, ये क्रीम भी, पहले मैंने एक्चुअली वाइट बटर डाला था, अब मैंने ये अपनी अमूल की क्रीम डाली है। इसी क्रीम से हमारा अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आएगा। आप जितनी चाहो डाल सकते हो, बट ना अगर आपके पास क्रीम नहीं है, जैसे मतलब आप बनाना चाहते हो, नहीं है इस टाइम घर पे, आसपास नहीं है, तो आप ना दूध भी डाल सकते हो। बट यार, दूध का ये है कि उसको लो फ्लेम पे रख के थोड़ा थोड़ा डाल के करना है, ताकि फट ना जाए। और ये मैंने अपनी उड़द की दाल भी इसमें डाल ली। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको अच्छे से बॉयल करना, कम से कम 20 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये जो मैंने अपने काजू रखे थे गार्निशिंग के लिए, कैश्यूज, वो मैंने डाल लिए।
अब मैं इसको रख देती हूँ अपनी गैस पे, और काजू डालिए गार्निशिंग के। अब आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, बट मैं इसको अच्छे से काफ़ी देर बॉयल करूँगी जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि ये अच्छी बनी है। हो ही गई है ऑलमोस्ट अब तो। एंड या ये मैंने सर्व कर ली एंड थोड़ी उसकी ड्रेसिंग कर दी अच्छे से। इट लुक्स यम एंड या टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। आपने वो क्वालिटी की खाई होगी ना जम्मू में, सेम टू सेम वैसा टेस्ट था यार। तो ठीक है, आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।